Climate change and global warming. Climate change. Climate catastrophe. Climate change. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. परिंदों की ये चहचहाहट कराची शहर में अब बहुत कम सुनाई देती है। इसकी कोई एक मखसूस वजह तो नहीं, अलबत्ता एक बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। मौसमियाती तब्दीली के असरात जहां दुनिया भर में इंसानी तबाही को जन्म दे रहे हैं, वहीं इससे जानवर और परिंदे भी उतने ही मुतासर हो रहे हैं। लेकिन मौसमियाती तब्दीली का जानवरों पर किस तरह असर पड़ता है और ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्लाइमेट का इफेक्ट प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों पे आता है और नॉर्मली एनिमल्स वहीं पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट हो, जहाँ पे हैबिटेट हो, जहाँ वो रह सकें, उनको खाना अवेलेबल हो, शेल्टर मिलता हो, पानी मौजूद हो, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पानी होता है वहीं आपके फॉरेस्ट फ्लरिश करते हैं। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होती है तो उससे जैसे हम गर्मियों में बर्दाश्त नहीं होती और हमें स्किन डिजीज से लेकर डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, ऐसी एनिमल्स और प्लांट्स के साथ भी चीज़ होती है। देखिए, जानवरों के बिहेवियर पर असर पड़ता है बुनियादी तौर पर। बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर बर्ड्स को ले लें तो बर्ड्स से माइग्रेटरी बर्ड्स तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर। मसलन माइग्रेशन जो होती है वो टेम्परेचर बेस्ड होती है, यानी टेम्परेचर अगर मिसाल के तौर पर साइबेरिया में अगर बर्फ़बारी हो रही है, उन इलाकों में जहाँ के परिंदे यहाँ पर सिंध में आते हैं और सिंध के झीलों में आते हैं, सिंध के डेल्टा के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में ये सर्दियाँ जब शुरू होती हैं वो आते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्दी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ बर्फ़बारी हो रही होती है, तो वहाँ पर इस वजह से यहाँ आते हैं कि यहाँ टेम्परेचर ज़रा कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च में यहाँ गर्म टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, गर्मियों में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो ये दोबारा उसी जगह पे जाते हैं जहाँ बर्फ़बारी, उन इलाकों में फिर बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, तो उनको वहाँ गज़ा मिलती है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स का एक फेनोमेना है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर का इजाफा हो रहा है, तो उसमें एक मसला ये आता है कि अगर मिसाल के तौर पर वक्त से पहले कोई चीज़ हो जाए, अगर इनका टाइम 15 फरवरी का है यहाँ से फ़्लाइट का, यहाँ से निकलने का, और वो अगर फ़र्ज करें 15 जनवरी हो जाए, तो फिर ये पूरा फेनोमेना इनका चेंज हो जाता है कि यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ गया जिसकी वजह से ये माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन उस जगह पे जा कर के कि जहाँ बर्फ़बारी ख़त्म नहीं हुई है या बर्फ़ मेल्ट होना शुरू नहीं हुई है, तो वहाँ पर एक मसला है, वहाँ उनके लिए होता है। तो ये तो एक बिहेवियर है, एक सिर्फ माइग्रेशन की बात नहीं है, उनकी सारी चीज़ों के ऊपर, उनकी फर्टिलिटी के ऊपर, उनकी दूसरी बिहेवियर के ऊपर क्लाइमेट चेंज का असर होता है। अब जैसे इंसेक्ट्स को बर्ड्स खाते हैं, अगर वो वाली बर्ड नहीं रही तो क्या होगा, वो वाले इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जैसे इस वक्त हमें डेंगू का प्रॉब्लम आया हुआ है, डेंगू को मछलियाँ खाती हैं, उस मॉस्किटोस को, तो अगर वो नहीं खाएंगी तो क्या होता है, आपके मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे होते हैं ब्रीडिंग सीज़न में और वो आपकी बीमारियाँ बढ़ रही होती हैं। अगर आप बर्ड्स की बात करें, अगर आप मैमल्स की बात करें या किसी भी एनिमल की बात करें, एक होती है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। वो अडेप्टेशन होती है जब अपने स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस लाता है, जैसे भी आपने बात की कि अपना साइज स्लोली एंड ग्रेजुअली श्रिंक हो रहा है, ठीक है, बट ये जो श्रिंकिंग का जो प्रोसीजर है डेट इज़ ऑल्सो वेरी स्लो, लाइक ये पूरे डिकेड्स के ऊपर कंपोज होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत क्विक हो जाए, उसकी वजह से भी हो रहा है। इनका विंग स्पैन इंक्रीज हो रहा है, विंग स्पैन इंक्रीज होने की वजह से जो है ये कोप अप करते हैं एनवायरनमेंट को, फ्लाई करने में ईजिली इनके लिए पॉसिबल होता है, और स्पेसिफिकली ये चीज़ इफेक्टेड होती है माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर, जो माइग्रेट कर रहे होते हैं बर्ड्स उनके ऊपर डायरेक्टली एक्चुअली इफेक्टेड होती है। कभी सफ़ेदे को काट देते हैं, कभी कोनोकार्पस को काट देते हैं, और कभी बहुत बड़े बड़े दरख्तों को काट देते हैं, जो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, सड़कें बन रही हैं उसमें हज़ारों दरख्त कट जाते हैं, और फिर पार्क्स हमारे यहाँ इतने नहीं हैं, उसमें प्लांटेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो एक वजह तो ये है कि परिंदे अगर नहीं आ रहे हैं तो उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये कि आप उनके रहने की जगह, उनकी पर्चिंग की जगह, उनके घोंसले बनाने की जगह को ख़त्म करते जा रहे हैं। ये घोंसले उन्हीं जगहों पे बनाते हैं जहाँ पर के दरख्त होते हैं। बड़े बड़े दरख्त होंगे तो आपको, अगर बहुत बड़े बड़े दरख्त होंगे, कुछ 5 मीटर 6 मीटर के अगर दरख्त होते हैं, तो उन पे आते हैं, घोंसले बनाते हैं, वो रहते भी हैं वहाँ पर, उनकी पूरी लाइफ साइकिल वहाँ चल रही होती है, इसको ख़त्म करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है।
जहाँ एक तरफ परिंदों की चंद नस्लें नायाब होती जा रही हैं, वहीं कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जिनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। कबूतर के सिलसिले में मैं थोड़ी सी वजाहत करूं कि कबूतर को जो इतना ज़्यादा ये किया है तो उसकी वजह से भी बीमारियां बढ़ती हैं। उसके जो बीट्स होते हैं ड्राई होकर के हवा में आते हैं और फिर हमें हमारे सांसों के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे होते हैं। तो इसको किसी भी जानवर को नेचुरल सिस्टम में चलने दें। मेरा हम बीइंग एन इकोलॉजिस्ट हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम जानवरों को अब खुद ग़ज़ा ना दें, उसको ढूंढने दें, अपनी ग़ज़ा खुद तलाश करें। हाँ, उसको मौाक़े ज़रूर उसकी जनरेट करें जहाँ से वो ग़ज़ा तलाश कर सके। अब इनको हम पेस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं कबूतरों को, इस वजह से क्योंकि ये ग्रेन्स के ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट होते हैं और ह्यूमन बीइंग से हमारे एक कल्चरल और एक सोशल एक सेटअप है कि हम थोड़ा सा उनको ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल दाना डाल रहे होते हैं, उसको एक सवाब का भी जरिया समझा है बहुत से लोगों ने डायरेक्ट, जैसे कबूतरों को खाना डालना और अलग अलग एरियाज में आपको नज़र आएगा कि बाकायदा स्पेसिफिकली कबूतरों को खाना डाला जा रहा है। तो ये बेसिकली अब पेस्ट की तरह से डिक्लेयर हो चुके हैं। सऊदी अरब में तो बाकायदा बैन कर दिया गया है बहुत जगह पे कबूतरों को दाना डालना, क्योंकि वहाँ पे भी वो पेस्ट बन गया है। पेस्ट वो स्पीशी होती है जो अपने नॉर्मल नंबर से एक्सीड कर जाती है और फिर हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करना शुरू करती है, हमारी इकोलॉजी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू करते हैं। अब कबूतरों का मामला ये है कि लोग दाने खुद देते हैं, तो हमारी इमारतों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, खाना उनको मिल जाता है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखिए, एक बुनियादी चीज़ बायोलॉजिकल फेनोमेना है, बुनियादी फेनोमेना है कि जिस जगह पे दो चीज़ें मिलेंगी, एक ये कि उनकी फिजियोलॉजी के हिसाब से उनका सर्वाइवल उस जगह पे होना और उनको घर पर एक शेल्टर होता है, घर चाहिए उनको घोंसले की सूरत में या किसी भी सूरत में। दूसरी अहम चीज़ होती है कि उनको ग़ज़ा चाहिए। आपने दरख्त काट दिए, बहुत कम दरख्त कर दिए, तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ, उसकी वजह से उनके जो इंसेक्ट्स बर्ड्स आमतौर पे इंसेक्ट्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, तो जब दरख्त ख़त्म हो गए तो ना उनको इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, इंसेक्ट ईटर बर्ड्स होते हैं या फ्रूट ईटर होते हैं या पत्ते खाते हैं। तो अगर के एरिया को इनकी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे आप, इनकी ग़ज़ा को ख़त्म कर देंगे, इनके शेल्टर को ख़त्म कर देंगे, तो बर्ड्स तो वैसे ही ख़त्म होंगे। और दूसरी अहम बात कि वो बर्ड्स जो हैं, चूँकि इलाका गर्म होता है, देखिए शहरी इलाके आमतौर पर हम कहते हैं कि इसे अर्बन हीट आइलैंड अफेक्ट जिसको कहते हैं, कि शहरी इलाके इमारतों की वजह से जो सारा दिन हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो इसकी वजह से शहरी इलाके गर्म होते हैं आमतौर पर उनके पेरिफेरल एरियाज़ के मुजाफाती इलाकों के मुकाबले में। जो शहर होता है आमतौर पर गर्म होता है, इसकी वजह गर्म होने की ये होती है कि बिल्डिंग्स सारा दिन हीट एब्जॉर्ब करती हैं और हीट रिलीज़ करती रहती हैं तो गर्म होता है। तो एक तो उनका शेल्टर का इशू है कि शेल्टर गर्म हो गया, शेल्टर आपने ख़त्म कर दिया, एक वजह यह है। फिर उसके बाद उनका खाना जो है इंसेक्ट्स हैं दरख्तों पे होते हैं वो ख़त्म कर दिए, फ्रूट्स दरख्तों पे लगते हैं वो ख़त्म कर दिए। तो बर्ड्स की तादाद हम अपने बचपन में देखते हैं कि बर्ड्स कराची में बहुत ज़्यादा होते थे, अब बर्ड्स नज़र नहीं आते। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी तीन चार बड़ी वजूहत ये हैं। ग्रीन पैरट्स तो लोगों के घरों में हुआ करते थे, पालते थे लोग उनको एज अ पेट बर्ड, बट अब तो घरों में तो बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर गोइंग टू बी इंडेंजर्ड। अब इंडेंजर्ड हो रहे हैं, लाइक वो इजिली अवेलेबल नहीं है, जो हमारा अपना लोकल पैरट था वो हमें नहीं मिल रहा, तो डायरेक्ट डिफरेंसेस तो आए हैं और ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज का ही इंपैक्ट है। इस फेरिस्ट में कबूतरों के अलावा एक और परिंदा भी शामिल है। इवन आप मिलवस की स्पीशीज को, जीनस को देखें, मिलवस लाइक जिनको आप चील कहते हैं, जब हम छोटे थे हमारे जमाने में तो चीलें इतनी ज्यादा कॉमनली नजर नहीं आती थी। अब बेसिकली मिलवस मिग्रेंट जो है, जिसको आप ब्लैक काइट कहते हैं, इसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती चली जा रही है और उसका रीज़न क्या है कि दे हैव चेंज देयर फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट मींस खाने का, पहले ये कार्निवोर होते थे, कार्निवोर मींस कि वो प्रीडेटर थे, अपने एनिमल्स को शिकार करके खाया करते थे, अब ये ओमनीवोर बन चुके हैं। ओमनीवोर मींस कि ये अब मल्टीपल फूड खाने लग गए हैं, ठीक है, मल्टीपल फूड मींस कि अब हम जो घर का खाना डालते हैं कहीं पे कचरा डालते हैं, हाँ, अब ये गार्बेज बर्ड बन चुके हैं, गार्बेज बर्ड कहलाने लगे हैं कॉमनली। अब आप देखिए गार्बेज डंप्स के ऊपर आपको बहुत सी चीलें नजर आएंगी। कुछ जानवर खासकर परिंदे ऐसे भी होते हैं जो मौसम की तब्दीली के बायस अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं, लेकिन बहुत से जानवर ऐसे भी हैं जो सिर्फ चंद मखसूस मकामात पर पाए जाते हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ते, और अगर उस जगह का मौसम अचानक तब्दील होना शुरू हो जाए और उन्हें अपनी खुराक ना मिल रही हो तो उस जानवर की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। हमारी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ते हैं अपने, जैसे जुरैसिक पार्क
मूवी भी देखी होगी जिसमें डायनासोर्स होते थे, तो बेसिकली हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ईरास होते हैं, तो मीज़ोज़ोइक ईरा में ये डायनासोर्स बहुत ज़्यादा अबंडेंटली मौजूद थे, और उस वक्त क्या था, उस वक्त लो टेम्परेचर था, क्लाइमेट लो था, ठंडे मौसम थे, और जब वार्म हुआ टेम्परेचर तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सके और एक्सटिंक्ट हुए, ख़त्म हो गए। एक्सटिंक्ट वो एनिमल्स होते हैं जिनका अब से फॉसिल्स मिलते हैं, लाइफ फॉर्म नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है कि सिर्फ डायनासोर नहीं, बाकी सारे एनिमल्स भी अगर ड्रास्टिक चेंज, हार्श क्लाइमेट होता है तो मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं ख़त्म होते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, और जो बाकी रहते भी हों वो रेलिक ग्रुप्स छोटे छोटे पैचेस में मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं होता वो फ्लरिश कर रहे हो। ये एनिमल्स की डाइवर्सिटी तभी इंक्रीज होती है जब फेवरेबल एनवायरनमेंट, फेवरेबल क्लाइमेट होता है, तब ये फ्लरिश करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट जिसमें वो स्पीशीज, वो एनिमल जो कि बस ख़त्म होने के करीब हैं, उनको पाबंदी लगा दी गई है पकड़ने से। पाकिस्तान में तो एक तो डॉल्फिन उसमें आती है रेड लिस्ट में, मारखोर आता है, प्लस हमारे मैंग्रोव एरियाज में जो फिशेस और श्रिम्प सब कम हो रहे हैं इसी वजह से। ये देखिए, ये बायोलॉजिकल साइकिल है जिसमें एक, हम लोग टेक्निकली कहते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, कंज्यूम करते खाते हैं, जो सेकेंड स्टेज पर होते हैं उसको फर्स्ट को खाते हैं और थर्ड को खाते हैं। अगर फर्स्ट करें किसी जंगल के अंदर, अगर आप ग्रेजर को ख़त्म कर देंगे तो दरख्त इतने बढ़ जाएंगे कि वो फिर तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज हो जाएगी। और इसी तरह से अगर फ़र्ज करें कि वहाँ पर जो है वो हर्बीवोरस, यानी वो जानवर जो हर्ब्स खाते हैं, उनकी तादाद अगर बढ़ गई और उसको कंट्रोल करने वाले जानवर नहीं है, मसलन उनको खाने वाले जानवर नहीं है, तो उनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि सारे दरख्तों के पत्ते साफ़ हो जाएंगे। अल्टीमेटली फेस करेगा वो एरिया कुछ अरसे के बाद, 10 या 20 या 25 सालों के बाद, वो बिल्कुल डेजर्ट्स बन जाएगा। तो ये कंट्रोलिंग फैक्टर होता है कि जनाब शेर हो, शेर का होना ज़रूरी है क्योंकि वो हिरन को खाते हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है, उनकी कंट्रोल रहने की वजह से सब्ज़ा भी बरकरार रहता है क्योंकि वो सब्ज़ा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल फेनोमेना है, ये बायोलॉजिकल साइकिल है, ये जिसको हम लोग कहते हैं फूड चेन भी कहते हैं, इसको आम जुबान में फूड वेब भी कहते हैं, कि जहाँ पर के जानवर, एक जानवर दूसरे को खा रहा होता है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, दूसरा तीसरे को खा रहा होता है तो दूसरे वाले की पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। अगर किसी एक जानवर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी सिस्टम के अंदर, उस निज़ाम के अंदर जो माहौलियाती निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर उसकी ग़ज़ा शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी उस एरिया में, और नतीजे के तौर पर उसी जानवर को जिसने बहुत बड़ी तादाद में ग्रेजिंग की, भरे सब्ज़े को खाया, अगले सीज़न में पता चला वो सब्ज़ा ही नहीं हो रहा, इसलिए कि उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम साहिल पे जाते हैं, हमने मुख्तलिफ़ किस्म के साहिल देखते हैं, कुछ जो हैं नेवल एरियाज हैं, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमंस का वहाँ जाना मना है, और कुछ पब्लिक एरियाज हैं, दोनों साइड्स पे एनिमल्स मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे ह्यूमन एसेस नहीं है, अनपोल्यूटेड एरिया, अनडिस्टर्ब एरिया, वहाँ के एनिमल्स की साइज़ बड़ी होती है, उनके वेट साइज सबका फ़र्क आता है, जबकि वही हम पोल्यूटेड या डिस्टर्ब साइड में जाएँ जहाँ पिकनिक के तौर पे आवाम जा रही होती है, पब्लिक जा रही होती है, वहाँ के तो एनिमल्स की साइज़ छोटी होती जा रही है, प्लस वहाँ पे अपॉर्चुनिटिक स्पीशीज़ जो हैं वो फ्लरिश कर रही होती हैं, जो बहुत छोटी साइज़ की होती हैं और तादाद में ज़्यादा होती हैं, कि अनफेवरेबल कंडीशन में फिर वो ग्रो कर रहे होते हैं, उस चीज़ का फ़र्क आता है। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़फ़र इकबाल शम्स का कहना है कि कराची में बिल्ली और कुत्तों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह उन्हें आसानी से ग़िज़ा मिलना है। फ़र्ज़ करें कि हम देखा है कि बहुत सारे कैट्स को, बिल्लियों को अब ग़िज़ा देते हैं, राइट, बिल्लियों की तादाद बढ़ जाती है। अब यहाँ डॉग्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं शहर में, कुत्तों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कुत्तों की ग़िज़ा बहुत है शहर के अंदर, कुत्ते इतने ज़्यादा क्यों हैं? इस वजह से कि सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट पड़े हुए हैं पूरे शहर में, वो उठते नहीं हैं, वो उठाए नहीं जाते, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसको उठाता नहीं है, तो नतीजे के तौर पर जिस जगह के ऊपर भी ग़िज़ा ज़्यादा होगी तो उस जानवर की तादाद ज़्यादा होगी। कुत्तों की तादाद शहर के अंदर इसी वजह से ज़्यादा है कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, सॉलिड वेस्ट उठाना शुरू कर दें, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। और होगा क्या कि हमारी इंटरवेंशन होती है उस सिस्टम में, कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें हम इंटरवीन करते हैं कि हम खुद ग़िज़ा देते हैं, तादाद उनकी बढ़ जाती है, पता चला कुछ अरसे आपने 15 दिन 20 दिन 1 महीने उनको ग़िज़ा नहीं दी तो फिर डेथ होने लगती है।
کیونکہ ان کو غذا نہیں مل رہی سسٹم میں, ماحولیاتی نظام میں وہ غذا ہی موجود نہیں ہے. وہ تو آپ غذا دے رہے تھے. فرض کریں مجھے بہت انٹرسٹ ہے جانوروں کو پالنے کا اور میں غذا بہت زیادہ دے رہا ہوں اس جانور کو, اور روز دیتا ہوں کسی وجہ سے, فار ون ریزن اور دی ادر. میں اس شہر سے چلا جاتا ہوں, وہاں بہت سارے جانور, 6 مہینے کے لیے میری کہیں پوسٹنگ ہو جاتی ہے, کہیں چلا جاتا ہوں, اس 6 مہینے میں اس کی غذا میں تیار کر کے جاؤں, کسی اور کو دے کر جاؤں. اگر اس 6 مہینے میں اس کو غذا نہیں ملتی تو پھر کیا ہوگی صورتحال؟ وہ نیچرل ایکو سسٹم کو ڈیمیج کرے گا, کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی. ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے بلیوں کو غذا دیتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں, گوشت لا کر کے دیتے ہیں, اور اگر چھٹیاں آ جاتی ہیں جیسے گرمیوں میں, یونیورسٹی بند ہوگی, بعض ٹیچرس یہاں کر رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی بند ہوگی تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ برڈس پہ جھپٹتے ہیں کیونکہ غذا نہیں مل رہی. موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر میں بہت سے جانوروں کے معدوم ہونے کا باعث بن سکتا ہے. اگر انسان زمین کی حدت میں اضافے کو سن 2030 تک 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خشک سالی, سیلابوں اور وسیع پیمانے پر جانوروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے سے بچایا جا سکتا ہے.